क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 8.1। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर टू डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन नंबर टू इज इन फिगर 8.13 फाइंड टेनपी माइनस कोटा। ओके, इस फिगर में हमें टेनपी माइनस कोटा फाइंड करना है। तो देखिए, पीक्यू इन ट्राइंगल PQR हमें गिवन है। PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड QR हमें गिवन नहीं है। एट फर्स्ट वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ QR। ओके, जो हमारे पास थर्ड साइड हमें जो गिवन नहीं है, हम उसकी लेंथ फाइंड करेंगे। ओके, तो हाउस वी डू, वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पी आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या होता है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, तो पी आर स्क्वायर क्या है हमारे पास, 13 सेंटीमीटर, इट मीन्स 13 स्क्वायर। ओके, पी क्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर, इट मीन्स 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड करनी है क्यू आर। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। ओके, 12 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, तो क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 169 माइनस 144। ओके, 169 माइनस 144 दैट्स कम 25, इट मीन्स क्यू आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25, एंड क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू 5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स जो क्यू आर जो हमें थर्ड साइड गिवन नहीं थी वो क्या है 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या करना है, टेन पी माइनस कोटार। तो आपको जो तीन कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखने हैं वो क्या है, जो आपका एंगल ऑफ रेफरेंस होगा उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, उसके साथ जो जुड़ी हुई साइड होती है वो बेस होती है, और 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड हमारे पास होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ओके, तो अब हमारे पास इसमें क्या है, टेन पी, तो हमारे पास एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है इसमें, पी, इट मीन सबसे पहले हम टेन पी फाइंड करेंगे, फिर कोटार फाइंड करेंगे, फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। एट फर्स्ट वी फाइंड टेन पी। अब एंगल ऑफ रेफरेंस हमारे पास क्या है, दिस। अब इसके जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है, क्यू आर, तो ये हमारे पास क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया, पी इज इक्वल टू क्यू आर दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन इससे अटैच जो साइड है वो कौन सी होगी, पी क्यू, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बेस। तो बेस हमारे पास क्या हो गया, पी क्यू दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और 90 डिग्री के एंगल की जस्ट सामने वाली साइड है पी आर, इट मीन्स पी आर वो हमारे पास क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या हो गई, पी आर दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास हमें परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया हमने, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ओके, तो अब हमें टेन पी, तो टेन पी क्या होता है, यदि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूर, ये आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र है वो ये है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूर। P अपॉन एच इज साइन, B अपॉन एच इज कॉस, P अपॉन V दैट इज इक्वल टू 10। तो टेन पी क्या हो जाएगा, P अपॉन V, इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया 5, बेस हमारे पास क्या हो गया 12। ओके, तो 5/12। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, कोट आर, I will write here tan P that is equals to 5/12. Now we will find cot R. Cot R. Now
एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा क्या है? आर। इट मींस ये हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस है, ओके। तो इसके जस्ट सामने वाली जो साइड हमारे पास क्या हो गई? परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया? पी इज इक्वल्स टू पी क्यू, दैट इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ओके। और बेस हमारे पास क्या हो गया? दिस बेस दैट इज इक्वल्स टू क्यू आर, दैट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ओके। हाइपोटेन्यूज तो सेम है, पी आर 90 डिग्री के एंगल की जब सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है, इज द बिगेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। द हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल्स टू पी आर, दैट इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। हमने जब हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस आर है तब हमने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लिया। अब देखो कोट आर, कोट आर वो ही ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें हमारे पास ये साइन होता है, दिस कॉस एंड दिस टैन, ओके। पी अपॉन बी हमारे पास टैन, तो कॉट थीटा हमारे पास जो होता है वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ओके। तो टैन हमारे पास पी अपॉन बी है, तो कोट हमारे पास क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। तो बी हमारे पास क्या है? बी इज 5 और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? 12 5 by 12। इट मीन्स कोटा दैट इज इक्वल्स टू 5 by 12। अब देखो हमने कोटा फाइंड कर लिया, टेन भी फाइंड कर लिया, अब हमें क्या करना है? बस सिंपल उनका सब्ट्रैक्शन करना है, 5 by 12। हमें क्या फाइंड करना था? टेन पी माइनस कोटा, तो टेन पी हमारे पास क्या है? 5 by 12। कोटा हमारे पास क्या है? 5 by 12। तो हमारे पास क्या आ गया? 0। इट मीन्स टेन पी माइनस कोटा दैट इज इक्वल्स टू 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू दिस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।